नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं, वो बोर्ड में हमने एक 5 पिन सॉकेट, 2 स्विच और एक होल्डर लिया है। हमारा एक स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा और एक स्विच से ये होल्डर हमारा ऑपरेट होगा। तुम क्या करेंगे, जिसका बोर्ड का वायरिंग देखेंगे कि हमारा ये किस तरीके से होता है। तो इसमें जो कनेक्शन आएगा, इसमें क्या क्या वायर आएगा, हमारा पहला आएगा फेज का, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा वो कहां आएगा, ये आएगा हमारा, ठीक है, ये 2 स्विच है, ठीक है, ये स्विच के दोनों नीचे वाले टर्मिनल में। तो हमारा जो फेज का वायर को हम क्या करेंगे, फेज का वायर हम लेके आएंगे, जो हमारा फेज का वायर आएगा, ठीक है, ये फेज का वायर लेके आएंगे, ये स्विच, ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल, तो हम कोई भी एक टर्मिनल में यहां पे दे देंगे और सेम यहां से एक वायर लूप बना के हम यहां पे दे देंगे। तो क्या होगा, हमारा ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमारा फेज पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से इस होल्डर को ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉकेट होगा, ये सॉकेट में देखिएगा हर जगह एक जगह एन और एक जगह एल लिखा होता है। जहां पे एन लिखा होता है वो हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, और जब एल लिखा होता है वो हमारा फेज के लिए होता है। तो हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, कहने का मतलब हमारा ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल का है ये, तो यहां से एक वायर लेके जाना है कहां पे, जहां पे एल लिखा है, तो हमारा एल यहां पे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर सेम यहां से लूप बना के ले जाएंगे यहां पे। तो हमारा क्या होगा, जब भी हमारा फेज का वायर आएगा, ठीक है, जो फेज का करंट आएगा, हम जब स्विच ऑन करेंगे तो ये यहां से इन करेगा, ये स्विच ऑन करने से ये आउट करते हुए कहां जाएगा, ये सॉकेट में आ जाएगा। सेम हमको क्या करना है, ये होल्डर में भी करना है, ये स्विच से ये होल्डर को ऑपरेट करना है। तुमको क्या करना है, होल्डर में देखिए 2 टर्मिनल है, ठीक है, इस होल्डर में भी 2 टर्मिनल दिया हुआ। तो एक टर्मिनल में हमको फेज, एक में न्यूट्रल देना है। तो हम कोई भी एक टर्मिनल में फेज दे देंगे, एक में न्यूट्रल दे देंगे। हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर ले जाके इस होल्डर का एक टर्मिनल दे देंगे। तो हमारा ये कहां होगा, यहां से एक वायर लेके चल जाएंगे हम यहां पे। तो क्या होगा, ये होल्डर में हमारा फेज पहुंच जाएगा। अब ये यहां पे क्या बचा, एक में फेज जाएगा तो दूसरा में न्यूट्रल जाना है, और यहां पे न्यूट्रल, हमारे न्यूट्रल का जरूरत कहां पे, 2 जगह। तो हमारा जो न्यूट्रल का वायर हम लेके आएंगे, वो क्या करना, न्यूट्रल का वायर लेके आना है, पहले एक टर्मिनल दे देंगे, हमारा ये सॉकेट में न्यूट्रल आ गया। सेम हमको एक न्यूट्रल हमको इस होल्डर में भी लेके जाना है, जैसे हमारे न्यूट्रल एक यहां है, तो हमको क्या एक होल्डर में भी चाहिए, क्योंकि एक बल्ब को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। तुम क्या करेंगे, सेम यहां से एक वायर का लूप बनाएंगे और यहां पे ले जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए हमारा न्यूट्रल यहां भी पहुंच गया और यहां भी पहुंच गया, तो हमारा ये होल्डर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा एक टर्मिनल, ये खाली है बस, जो हमारा 5 पिन सॉकेट का ये टर्मिनल होता है, ये हमारा अर्थिंग के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये अर्थिंग वाला वायर सेम यहां से लेके आएंगे और यहां पे दे देंगे। तो हमारा जो बोर्ड वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम क्या कहते हैं, इसका वायरिंग करते हैं। तो हमको क्या करना, पहले ये स्विच का दोनों नीचे टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कराना है, ठीक है, ये दोनों को आपस में पहले हमको कनेक्ट करके देना है। तुम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में एक लूप बना के कनेक्ट कर देते हैं। एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कहीं भी हम फेज का वायर देंगे तो ये दोनों में पहुंच जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से ये सॉकेट में देना है जहां पे एल लिखा है, और ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल जहां से हमको होल्डर ऑपरेट करना है, इसको ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाना है यहां पे होल्डर में। हम क्या करेंगे, सेम 2 वायर ले लेंगे लूप बना के, ठीक है, इस तरीके से वायर का लूप बना लेना। और एक हम अगर ये स्विच, ठीक है, ये स्विच हमारा ये सॉकेट के लिए सेम यहां पे हमारे, क्योंकि देखिए इस टाइप से डायग्राम, अब इसको पलट देते तो ये स्विच हमारा इधर चल जाएगा, ये चीज ध्यान देना। तो कोई भी स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से आपको क्या करना है, जो स्विच से आपको ऑपरेट करना है, तो हमारा ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करो, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम एक वायर लेके चल जाएंगे जहां पे एल लिखा है, हमारा एल यहां पे है। तो क्या करेंगे, सेम इस जगह पे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा सॉकेट के लिए। अब हमको क्या करना, होल्डर का भी कनेक्शन करना है। तो होल्डर का क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक होल्डर में लेके जाना वायर। तो हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे और ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से दे देंगे। अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल कनेक्शन। तो न्यूट्रल का जरूरत कहां पे, एक यहां पे जरूरत है और एक होल्डर में जरूरत है, मतलब हमको एक न्यूट्रल यहां पे चाहिए और एक होल्डर का इस टर्मिनल चाहिए। तो एक वायर ले लेंगे हम सेम न्यूट्रल के लिए भी, ठीक है, एक हम दे देंगे यहां पे। तो हम एक यहां पे हमारा न्यूट्रल का वायर आएगा और सेम एक वायर हम इस होल्डर में लेके चल जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया।
अब हमको क्या करना, जो हमारा फेज का वायर आया हुआ है, न्यूट्रल का वायर आया, अर्थिंग का वायर आया, तीनों वायर को हमको लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के लिए एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फेज का वायर कौन सा हो गया, लाल कलर का, ब्लैक कलर वायर न्यूट्रल, और ये ग्रीन कलर का जो वायर है ये अर्थिंग, ये तीनों वायर हम लेके आए इस बोर्ड में। तो हमारा जो फेज का वायर हम कहां इन करा रहे, स्विच का नीचे टर्मिनल में। तो हमारा ये स्विच का नीचे टर्मिनल यहाँ पे, ये दोनों कहीं में भी इन कराएंगे तो हमारा बात बराबर, यहाँ भी इन कराएंगे तो फेज हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ भी इन कराएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम कराते हैं सेम यहाँ पे इन करा देते हैं, तो ये हमारा यहाँ तक का फेज काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हम कहीं भी दे सकते हैं, जो हमारा एक सॉकेट में है और एक हमारा होल्डर में है, एक हमारा यहाँ पे एक यहाँ पे, हम कहीं भी देंगे, यहाँ भी देंगे तो हमारा यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ भी देंगे तो हमारा फेज है जो न्यूट्रल है यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे डायग्राम में हमने दिया सेम इसी तरीके से हम काम करते हैं। तो हमारे न्यूट्रल वायर लाए थे हम यहाँ पे इन कराए थे, सेम न्यूट्रल का वायर ये आया हमारा यहाँ पे इन कराए, ठीक है। तो फेज का वायर जैसे आया यहाँ पे हमारा, ये फेज का वायर आया था यहाँ पे इन कराया था, यहां से पहुंच गया हमारा यहाँ पे इन आया, यहाँ से ये स्विच में आ गया, ये दोनों स्विच आपस में फेज आ गया, ठीक है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये वायर के थ्रू ये सॉकेट में आ जाएगा, और जब ये स्विच ऑन करेंगे तो इसके थ्रू ये हमारा होल्डर में आ जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल हम कहाँ पे था, न्यूट्रल में यहाँ इन करा थे, सेम यहाँ से लेके आ गया हम इस होल्डर में भी। तो हमारा न्यूट्रल इन किया यहाँ पे, यहाँ पे इन किया, सेम हमारा यहाँ पे होल्डर में आ गया। अब हमारा बच्चा क्या, अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, अर्थिंग का वायर हम कहाँ डाल रहे, हमारा जो जरूरत है सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका अगर आपको चाहिए वीडियो, ठीक है, बॉडी अर्थिंग के बारे में क्यों जरूरी है, तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसे चेक करके देखना, तुमको क्या करना है, ये स्विच से ये होल्डर हमारा ऑपरेट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा लेते हैं, और अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो ये होल्डर हमारा जलना चाहिए। तो सेम ये होल्डर हमारा जलने लग गया, मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। अब हम बचा ये सॉकेट का कनेक्शन, तो सॉकेट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, होल्डर ले लेते हैं, और इससे हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो ये भी हमारा कनेक्शन सही है, आप इस तरीके से इसका वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।